बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्रेश टिप्स एंड ट्रिक्स। वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में हम आपको सिखाएंगे पोलर लाइन की थर्ड मेथड। मैंने पहले आपको कोऑर्डिनेटिव मेथड और पोलर मेथड के बारे में बता दिया था, और इसके बाद थर्ड जो है ना माउस मेथड है, ठीक है। लेकिन वीडियो से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ बिल का आइकन भी दबाएं ताकि आपसे लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला आप अपना ऑटोकैड ओपन करें, ठीक है। फिर इसके बाद आप एल एंटर करें, ठीक है। एल एंटर करने के बाद आप ड्रा द माउस टू राइट एंड देन गिव एफ एट, ठीक है। इस पर क्लिक करें, फिर एफ एट पर क्लिक करें कि लाइन स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ फर्श करें, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। और इसके बाद लाइन की जो ये मेथड है ना, मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसा करें, ठीक है, पहले आप यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है, और एल एंटर ड्रा द माउस टू राइट एंड देन गिव फाइव एट एंटर, ड्रा माउस ऑफ एंड गिव फाइव एंटर, ठीक है, फाइव एंटर। फिर इसके बाद फाइव एंटर करने के बाद माउस लेफ्ट गिव एट, ठीक है, गिव एट। फिर ड्रा माउस डन एंड गिव फाइव एंटर, फिर एट एंटर, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास ये रेक्टिकल बन गया माउस मैट्रिक्स के जरिए। दोस्तों ये था थर्ड नंबर लाइन का तरीका माउस मेथड के बारे में हमने आपको सिखाया कि ये थ्री मेथड्स मैंने आपको बता दिए कि कोऑर्डिनेटिव मेथड सिस्टम, पोलर मेथड सिस्टम और माउस मेथड। ये था माउस मेथड सिस्टम, माउस के ज़रिए आप लाइन कैसे ड्रा करेंगे, इसमें रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, हमने आपको सारा तरीका इसमें बता दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।